हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं एसएससी के लिए विशेष चैनल वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। तो सबसे पहले बच्चे सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फटाफट जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो जियोग्राफी से रिलेटेड और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपना पूरा शेड्यूल यहाँ पर बता देता हूँ कि पूरी जो मेरी क्लासेस हैं उनका टाइमिंग क्या है, और आप लोग डेली वहाँ पर जुड़ेंगे। देखिए 10 बजे जो मेरा क्लास रहता है वो वाईफाई स्टूडियोज चैनल पर रहता है, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे साथ में 10 बजे सुबह वाईफाई स्टूडियोज चैनल पर जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग 12:30 बजे जुड़ोगे स्टूडियोज चैनल पे। दोपहर में 2:45 पर, ये 1.5 घंटे का क्लास है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ना है एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। फ्री क्लासेज हैं सारी की सारी ये, ठीक है बच्चे, ये सारी की सारी आपकी फ्री क्लासेज हैं। उसके अलावा शाम को 5 बजे आपको जुड़ना है सेम चैनल पर, यानी कि जहां पर आप लोग जुड़े हुए हैं एसएससी एग्जाम चैनल पर। 6:30 बजे रेलवे के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जुड़िए, ये भी आपकी 1.5 घंटे की क्लास है। तो इन क्लासेस पर रेगुलर तरीके से आप लोग जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आने वाला है। अन अकेडमी पर जुड़ने के लिए आप लोग अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर मुझे फॉलो करोगे और अपनी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लीजिएगा। अनलॉक करने के लिए कोई भी आपसे यहां पर फीस नहीं बच्चे ली जा रही है, केवल आपको कोड लिख करके ABSIR10 कोड लिख करके अनलॉक कर लोगे। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GS, GK सारी क्लासेस आपको फ्री यहां पर मिलने वाली है, ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर है। दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो देखिए सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक होने वाला है 11 जनवरी को। उससे पहले आप सारे लोग कोड लगाइए ABSIR10, ये रेफरल कोड लगाइए, और 10% के डिस्काउंट के साथ में आज ही अन अकेडमी पर SSC का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। तुरंत, देर नहीं करना है बच्चा, अभी नहीं तो कभी नहीं, तुरंत 1 साल में सिलेक्शन लीजिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपना सिलेक्शन मारिए, ठीक है भाई। बिल्कुल, चलिए पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। लेकिन सवाल आज रखने से पहले हम यहां पर कुछ डिस्कशन करेंगे डिटेल में, ध्यान से समझोगे। सबसे पहले हम लोग अंटार्कटिका के बारे में समझते हैं। देखो जब भी हम लोग महाद्वीपों की बात करते हैं तो ये महाद्वीप हमारे कौन कौन से हो गए, ये देखोगे बच्चे, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, अंटार्कटिका हो गया। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है बच्चे, ये आपका अंटार्कटिका है। मैं एक बार रेड कलर से लिखे दे रहा हूं, 1, 2, 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए, 7। टॉप अगर कभी पूछा जाए तो ए आंसर याद रखना है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करते हैं, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसा है बच्चे, विश्व का 5वां यह सबसे बड़ा महाद्वीप आता है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। कैसा है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पृथक है 0 आबादी से, यानी कि यहां पर कोई भी जनसंख्या ऐसे निवास नहीं करती है, और पृथ्वी पर सबसे शुष्क और सबसे ठंडा महाद्वीप भी आपका यहां पर पाया जाता है, जिसको हम लोग कह देते हैं अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, कौन सी है, माउंट विंसन सबसे ऊंची चोटी है, इसका पूरा नाम है माउंट विंसन मासिफ। माउंट इरेवस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाएगा अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो माउंट इरेवस हो जाता है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो माउंट विंसन मासिफ हो जाएगी। इस महाद्वीप को विज्ञान महाद्वीप के लिए समर्पित भी कहा जाता है, और यहां पर 1984 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना एक स्टेशन भी बनाया है, जानते हैं हम लोग, अपना एक स्टेशन भी बनाया है, ठीक है। अब हम लोग यूरोप के मैप के बारे में यहां पर समझ लोगे, बहुत देखिए ध्यान से समझना है, ये पूरा यूरोप एक ऐसा मैप है
जो सबसे ज़्यादा हौचपौच विद्यार्थियों को लगता है। हौचपौच इन द सेंस ऐसा लगता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, लगता ना। ये जो देखो मेरा जो स्केच देखते रहिएगा, ये दो डॉट डॉट लाइन में मैंने यहाँ पर एक सर्किल सा क्रिएट किया है, ये जो सर्किल सा क्रिएट किया है यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात होती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको नोट करते चलोगे, उनको नोट करते चलोगे, कभी गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई यूके क्या है, हम लोग ब्रिटेन भी पढ़ते हैं, यूके भी पढ़ते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सबसे पहले यूके अगर पूछा जाएगा क्या है, तो यूके का जो पार्ट है हम लोग कह देते हैं ग्रेट ब्रिटेन और प्लस उत्तरी आयरलैंड, समझते रहिएगा, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड अगर कहेंगे तो ये कहलाएगा आपका यूके, इस पॉइंट को याद रखना है। अब सवाल ये उठा कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है। अब अगर ग्रेट ब्रिटेन को हम लोग ध्यान देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन बच्चे क्या होता है कि पूरा ब्रिटेन और प्लस जो छोटे मोटे द्वीप हैं, प्लस छोटे जो द्वीप हैं, ये मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाएगा। तो यूके में पूरा का पूरा ब्रिटेन आ गया, उसके सारे द्वीप आ गए, और आयरलैंड जो आपको दिख रहा है, ये आयरलैंड, ये जो आकृति दिख रही है आयरलैंड की, इसका उत्तरी हिस्सा केवल आपका ग्रेट ब्रिटेन में आएगा, ठीक है। फिर तीसरा सवाल यह उठता है कि ब्रिटेन क्या है, तीसरा सवाल यह उठता है कि भैया ब्रिटेन क्या है, जब हमने ये बता दिया ब्रिटेन और छोटे मोटे द्वीप, अब ब्रिटेन में क्या काउंट होगा। याद रखिएगा, ब्रिटेन में जब भी काउंट होगा तो स्कॉटलैंड काउंट होगा। क्या काउंट होगा? स्कॉटलैंड काउंट होगा ब्रिटेन में, पहली चीज, ठीक है, याद रखना है, स्कॉटलैंड ब्रिटेन में काउंट होगा। दूसरा क्या काउंट होगा ब्रिटेन में, दूसरा ब्रिटेन में वेल्स और इंग्लैंड, याद रखना है, ब्रिटेन की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड काउंट होगा, प्लस वेल्स जुड़ेगा, और प्लस अगर इंग्लैंड जुड़ेगा तो हम लोग कह देते हैं वो ब्रिटेन बनेगा। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों जब जुड़ जाएंगे, भैया पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक लगता है, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझोगे। ब्रिटेन के मतलब क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और इंग्लैंड हो गया, ये तीनों आपके कहलाएंगे ब्रिटेन। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ब्रिटेन हो गया, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ग्रेट ब्रिटेन को मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा ब्रिटेन और प्लस छोटे मोटे द्वीप समूह, ये सब ब्रिटेन हो गए, ये सब आपके हो गए, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट हो गए। फिर अगर सवाल पूछा जाएगा यूके, यूके का पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हो गया यूके का पार्ट, और उत्तरी आयरलैंड, ये अंतर है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से बहुत सारे ये ग्रुप बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे ये ग्रुप बनते हैं, इन ग्रुप के बारे में जरूर देखो, एक बार मैं लोकेट करके आपको बता देता हूँ, यहाँ से जरूर आपके सवाल बनते हैं। ग्रेट ब्रिटेन आपने समझ लिया, ब्रिटेन समझ लिया, यूके समझ लिया, ये यहाँ से बहुत बनते हैं। अब देखो मैंने जो आपको बताया ना ब्रिटेन का, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सब सर्च करना है, ये यूके रहता है, ये यूके है, ये आपका आयरलैंड है, ठीक है, ये आयरलैंड है, याद रखना है, और देखो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, याद रखना है, ठीक है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, ये आपका आइसलैंड है, ऊपर डेनमार्क हो जाता है, ये जो है ना तीनों जिनको बॉक्स के अंदर हमने क्रिएट किया है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, NSDI हमने आपको बताया ना इससे पहले, क्लियर है। ये झीलों का देश है जिसको हम लोग फिनलैंड बोलते हैं, और इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, याद रखना है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। और जब भी हम इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो देखिए ये आपका इंग्लिश चैनल पढ़ता है, ये आपका बच्चे इंग्लिश चैनल पढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए ये तो यूरोप की बात हो गई, अब दो तीन सवाल और यहाँ पर बनेंगे, आप ही लोगों आंसर बताओगे भाई, ठीक है। पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपको ये बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए यूरोप में बेनिलक्स कौन कौन से कंट्री हैं, बेनिलक्स बताइए कमेंट सेक्शन में, बेनिलक्स कौन कौन से कंट्रीज हैं यूरोप के, कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा सबसे पहले। वेरी गुड इवनिंग,
बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा भाई। वेनिलेक्स कौन कौन से कंट्री हैं जल्दी से बता दोगे फास्ट? वेनिलेक्स में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? देखो बहुत आसान है, बी से क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, नी से नीदरलैंड हो जाएगा, और लक्स से लग्जमबर्ग हो जाएगा। कितना आसान है, बे बेल्जियम, नी नीदरलैंड, लक्स लग्जमबर्ग, हो गया बेनिलेक्स। सुनने में इतना कठिन लगा लेकिन कितना आसान है, कितना आसान है ना, क्लियर है। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई आयरलैंड क्या है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ये आयरलैंड, तो आयरलैंड की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड, यानी कि जो स्वतंत्र आयरलैंड का समूह है दक्षिणी, वो भी जुड़ता है, और आयरलैंड जो उत्तरी भाग है वो भी आपका जुड़ने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की मैपिंग से। अब देखो यूरोप एक महाद्वीप है जो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ज्यादातर पूरी गोलार्ध में आता है, और ये कैस्पियन सागर और यूराल पहाड़ों से एशिया से अलग होता है, यानी कि एशिया और यूरोप को अलग करने का काम कर रहा है जो कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, यानी कि यूराल और काकेसस, ये दोनों अलग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा ट्रांस साइबेरियन रूल जो है वो रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा हो जाता है। ये बेसिकली हम लोग जानते हैं व्लाडिवोस्टक तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और ये व्लादिवोस्टक तक है आपका। कहाँ तक है ये? व्लादिवोस्टक तक है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग टू पूर्व में व्लाडिवोस्टक तक ये रेल मार्ग फैला हुआ है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो हम लोग क्या जानते हैं, माउंट एल्ब्रुस। अगर लोकेशन देखोगे तो माउंट एल्ब्रुस की ये आपकी लोकेशन आती है, ये लोकेशन आती है माउंट एल्ब्रुस की। और जो बोल्गा है, ये बोल्गा बच्चे यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है। और इटली को हम लोग, जो इटली की गंगा कहते हैं ना, उसको हम लोग पो नदी को इटली की गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज बैंक जो है ये नॉर्वे में पाया जाता है, नॉर्वे में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय बीज बैंक, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हम ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से समझते हैं। बहुत देखिए जबरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, महाद्वीप भी है और एक देश भी है। अगर आप देखोगे ये एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है विद्यार्थियों, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया ध्यान दोगे, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये आपका ऑस्ट्रेलेशिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये ऑस्ट्रेलेशिया कहलाता है एरिया, ऑस्ट्रेलेशिया ये एरिया कहलाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे पूरा, बहुत बढ़िया से समझ जाओगे। देखिए इसके प्रांत समझ लोगे, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है बच्चे, ये क्वींसलैंड हो गया, ये न्यू साउथ वेल्स हो गया, ठीक है याद रहेगा, न्यू साउथ वेल्स हो गया, ये विक्टोरिया हो गया, और ये आपका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हो गया। प्रांत सारे समझ गए, न्यू साउथ वेल्स हो गया, क्वींसलैंड हो गया, विक्टोरिया हो गया, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इनकी कैपिटल आप लोग देख लोगे, ये हो गया डार्विन, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखोगे आपको ब्रिस्बेन, जो सबसे पहले अगर पूर्वी देखेगा तो ये ब्रिस्बेन दिखेगा, ये हो गया आपका ब्रिस्बेन। सिडनी फिर आपको दिख रहा है, ये न्यू साउथ वेल्स में, कैनबरा भी है आपका, कैनबरा भी यहीं पर पड़ेगा, ठीक है। विक्टोरिया में आपका ये मेलबोर्न पड़ेगा, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड पड़ेगा ये, और पर्थ ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाती है पर्थ, ठीक है बच्चे, ये ऑस्ट्रेलिया का आपको याद रखना है। अब आप लोग यहां पर देखोगे कि बाहर की तरफ जब हम देखते हैं तो ये हमको दिखाई देता है एक ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। क्या है भैया? मूंगे की चट्टान है विश्व की सबसे बड़ी, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और एक सातवें नंबर का महाद्वीप है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे छोटा और सातवां महाद्वीप है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, 1770 में जेम्स कुक के द्वारा इसको खोजा गया था, और
मकर रेखा इस महाद्वीप के बीच से होकर के गुजरती है, कौन सी रेखा? मकर रेखा, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ एक कोरल रीफ है जिसको हम लोग, हमने अभी आपको बताया, ये ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे से निर्मित सबसे बड़ी चट्टान है। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को सबसे ऊंची चोटी है, मर्रे यहां की सबसे बड़ी नदी है और इसी की सहायक नदी है डार्लिंग। इसकी सहायक नदी कौन सी है? डार्लिंग, लेकिन मर्रे यहां की सबसे बड़ी नदियों में काउंट होती है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1820 में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज की? फेबियन बॉर्न, वेलिंग्स हॉसेन, या मिखाइल लाजरेव, या रामचरण, या आंसर हो जाएगा जेम्स कुक। क्या आंसर होगा भाई? 1820 में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज किसने की? मुख्य भूमि की खोज किसने की? आंसर करोगे भाई फास्ट? वेरी गुड इवनिंग बच्चे, अभिषेक कुमार, सोनू वर्मा। पूरा मैपिंग अब हम लोग वीक वाइज सब्जेक्ट को डिवाइड करने वाले हैं सीएचएसएल और सीजीएल के हिसाब से, सीएचएसएल और सीजीएल के हिसाब से वीक वाइज डिवाइड करने वाले हैं। एक वीक पूरा हिस्ट्री चलेगा तो हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे वीक जियोग्राफी, इस तरीके से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसका आंसर कीजिए। देखो इसका आंसर आ जाएगा फेबियन वॉन वेलिंग्स हॉसेन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जानने से पहले यहां पर समझ लोगे, ये जो व्यक्ति थे वेलिंग्स हॉसेन, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज की, और 1820 में वो स्टोक जहाज से यहां पर उन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका? अभी हमने आपको बताया था डिटेल में, इसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट विंसन मासिफ, या मोना लोवा, या माउंट इरेबस? क्या आंसर होना चाहिए भाई फास्ट? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, पीडीएफ भैया यहीं से मिलेगी आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में लिंक लगेगा, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, आप सारे लोग अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेस से जुड़िए भाई, सारे लोग जितने लोग हो, 6:30 बजे क्लास रहेगी अनअकैडमी पर, तो आप सारे लोग वहां पर जुड़िएगा। रेलवे के लिए हम लोग वहां पर जुड़ने वाले हैं, रेलवे एसएससी दोनों के लिए आप लोग जुड़ोगे वहां पर। अगर अनअकैडमी पर आप लोग फ्री क्लासेस नहीं करते हो तो फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए ABSIR10 कोड लगा करके फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माउंट इरेबस। माउंट इरेबस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और माउंट अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से किस मछली की प्रजाति पाई जाती है? किस मछली की प्रजाति पाई जाती है? आंसर कीजिए, सुनहरी मछली, समुद्री घोड़ा, या वेल, या क्रिस्प? क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट आंसर कीजिए भाई फास्ट, तेजी से आंसर करोगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका में किस मछली की प्रजाति पाई जाती है? देखो भैया, किस मछली की प्रजाति की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका में आपकी पाई जाती है क्रिल। कौन सी मछली पाई जाती है? क्रिल पाई जाती है। क्रिल के बारे में जाने तो क्रिल पाई जाने वाली प्रजातियों में से एक मछली है, वे समूहों में रहती हैं, इनको सोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप पूरी तरीके से किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी में, या दक्षिणी गोलार्ध में? फटाफट आंसर कीजिए फास्ट, तेजी से बच्चे, एक मिनट के लिए रुक जाइए बस, वन मिनट। बिल्कुल विद्यार्थियों, इसका आंसर दीजिए भाई सारे लोग। यूरोप की पूरी तरीके से अगर पूछा जाएगा किस गोलार्ध में है, तो इसका बच्चे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के समूह को स्कैंडिनेविया कहा जाता है? अभी हमने आपसे बताया था इसको, जब मैपिंग की मैंने यूरोप की तो वहां पर बताया भाई, फास्ट आंसर करोगे इसका?
आंसर करेंगे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो भाई, स्कैंडिनेवियन पूछा जाएगा, तो अभी हमने बताया था एनएसडीआई, अगर आपने ध्यान से वहां पर सुना होगा तो एनएसडीआई बताया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, तो आंसर क्या हो गया? अब एक और याद रखना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाल्टिक कंट्रीज है, बाल्टिक कंट्रीज का याद रखना है एल, ई एल एल, या अल से भी याद कर सकते हो, क्योंकि एस्टोनिया ई से होता है, तो इसलिए कह सकते हो एल, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये आपके हो गया बच्चे बाल्टिक, और इसके निर्माण क्या हो गया? एनएसडीआई हो गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका एनएसडीआई है पूरा, मैंने अभी बताया था आपको मैप में, ये देखिए नॉर्वे, स्वीडन, ये आइसलैंड, डेनमार्क, ये आप देख सकते हो, ये हम लोग कहते हैं इनको एनएसडीआई, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के समूह को एक साथ बालकन राज्य कहा जाता है? बालकन, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, बिल्कुल नहीं होगा, अभी हमने बताया स्कैंडिनेवियन है, बिल्कुल नहीं होगा, बाल्टिक कंट्रीज है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बालकन में कई सारे कंट्रीज हैं, और हो जाएगा आपका ये वाला। अब कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूगोस्लाविया है, ग्रीस है, रोमानिया है, अल्बानिया है, काला सागर, भूमध्य सागर के तट पर स्थित जितने राज्य हैं वो सभी बालकन राज्य कहलाते हैं, एक ग्रुप है पूरा बालकन, कहां सा? काला सागर और भूमध्य सागर के तट पर स्थित राज्य, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो यूरोप के पांच राजधानी शहरों से गुजरती है? आंसर कीजिए, पांच राजधानी शहरों से कौन सी गुजरती है? देखिए बहुत आसान है, अगर हम बात करेंगे यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड से गुजरती है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से गुजरती है, ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से गुजरती है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से गुजरती है, बुखारेस्ट से गुजरती है, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। देखिए रोमानिया हो गया और वियना हो गया, बेलग्रेड हो गया, तो ये पांच राज्य, पांच ऐसे देश हैं जिनकी राजधानियों से गुजरती है, वो नदी है आपकी डेन्यूब, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा है। जर्मनी की एक प्रसिद्ध नदी है, राइन है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो आपकी सीन नदी के किनारे स्थित है, फ्रांस का जो शहर है पेरिस, राजधानी पेरिस है, ठीक है। अब देखिए जो डेन्यूब नदी है वो बच्चे यूरोप की सबसे लंबी नदी में शामिल की जाती है, हालांकि सबसे लंबी नदियों में कौन सी है? वोल्गा है, लेकिन ये कैसी है? दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो यूरोप की पांच राजधानियों से गुजरती है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और स्लोवानिया की ब्रातिसलवा, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की, हंगरी की बुडापेस्ट, और ऑस्ट्रिया की वियना, इन राजधानियों से ये नदी गुजरती है, याद रखना है, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है? अभी आपको बताया था सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, नॉर्थ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, ट्रांस कॉसेशियन रेलवे, या ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखिए विद्यार्थियों बहुत आसान है, अभी हमने बताया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा विश्व का रेल मार्ग है, यूरोप का भी सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लाडिवोस्तोक तक ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा रूट है ट्रेन का ये दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के मध्य से गुजरती है? आंसर कीजिए, क्या 0 डिग्री है, मकर रेखा है, या कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है? देखो तो बहुत आसान है इसका पढ़ने का तरीका, कॉन्टिनेंट वाइज देखोगे तो अफ्रीका में तीनों रेखाएं हैं, विषुवत रेखा भी है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, कर्क रेखा भी है, मकर रेखा भी है, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। एशिया में पूछा जाएगा तो ये दोनों एशिया में है, एशिया में मकर रेखा नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। अब अगर पूछा गया इसमें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजर रही है, सुषमा वर्मा जी, केवल मकर, कैप्रिकॉर्न, नॉट इक्वेटर, इक्वेटर बच्चे नहीं, बहुत नीचे है ऑस्ट्रेलिया, तो इक्वेटर कहां से होगी? इक्वेटर तो अफ्रीका में जायरे नदी को पार कर रही है दो बार, वो तो बहुत ऊपर हो जाता है,
ठीक है ना। अब ये आपका निकल रही है और कोई भी रेखा नहीं है। अगर हम देखोगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से गुजरती हुई उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को स्पर्श करती हुई न्यू साउथ वेल्स से निकल जाती है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और यहीं पर एक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, मैदान है बहुत प्रसिद्ध, उसको आप लोग नोट करोगे, अभी एग्जाम में पूछा गया था, नल्लार बार का मैदान। नल्लार बार का मैदान यहीं पर है। गिब्सन डेजर्ट भी यहीं पर है, याद रखना है। विक्टोरिया डेजर्ट भी यहीं पर है, याद रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, वो सब याद रखोगे। एक दिन हम लोग वन बाय वन केवल मैपिंग करेंगे यहाँ पर, उस मैपिंग से पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे हर एक कॉन्टिनेंट का, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया नाम लैटिन शब्द ऑस्ट्रेलियस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी या पूर्वी? क्या आंसर होना चाहिए इसका? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी, क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा भाई दक्षिणी। ठीक है, अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड भी कहते हैं? सवाना, डाउन्स, स्टेप्स, पंपास। बहुत आसान सा सवाल है। पंपास अर्जेंटीना में हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाते हैं। वेल्ड कहां पर हो जाते हैं? वेल्ड आपके हो जाते हैं अफ्रीका में हो जाते हैं। एक बार यहां पर समझ लोगे आप लोग कि दुनिया में जो घास के विभिन्न मैदान हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है। एशिया में स्टेप्स हैं, स्टेपीज भी बोलते हैं इनको। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना ब्राजील वाले एरिया में लेनोस भी बोलते हैं, सेराडोस भी बोलते हैं। अफ्रीका में सवाना और वेल्ड्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको रंगलैंड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से किस जानवर को लाफिंग जैक कहा जाता है? अकाउंट, बीकॉम, फर्स्ट ईयर की क्लास कब होती है? देखिए बिल्कुल, आप बीकॉम का अगर वहां पर देखोगे तो बीकॉम का फर्स्ट ईयर का बच्चे नहीं, लेकिन आप अगर सीबीएसई बोर्ड से, आईएससी बोर्ड से वहां पर अवेल करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है भाई। कोड लगा लीजिएगा वहां पर, AB Sir 10 कोड लगा लीजिएगा, डिस्काउंट भी आपको 10% का मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। शिवांगी जी, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? बोलिए भाई। इसका आंसर कह रहे हैं कंगारू। कंगारू गलत उत्तर है। कोकरा बार भी बोलते हैं, कूका बार भी बोलते हैं। इसको देखो, कूका बार भी बोलते हैं और कोकरा बर्रा भी बोलते हैं, कोक बर्रा भी बोलते हैं, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। बिल्कुल खुशी जी, सारे कवर करता हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सारे के सारे कवर करता हूं। शिवांगी सर्च करोगे वहां पर मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कूका बार और लाइरे बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक स्पेशल जीव हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कोकरा बार को लाफिंग जैक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर वेटिकन सिटी दुनिया में सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर कीजिए। वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? क्या आंसर होना चाहिए इसका? बच्चे SH ग्रेजुएशन में BA BSc का नहीं होता है, BSc BCom का। वहां पर आपको 9 to 12th का मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। CA CS का तैयारी करना चाहते हो, CA का CS का, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। एक बार सर्च करिए वहां पर पूरी तरीके से, और फिर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप लोग रेफरल कोड जरूर लगा लीजिएगा AB Sir 10 और कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो हम लोग जानते हैं भाई, वेटिकन सिटी केवल पोप का महल है, केवल पोप का महल है वेटिकन सिटी में। तो ये जो वेटिकन सिटी है ये आपका यूरोप में है। कहाँ पर है बच्चे? यूरोप में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप, ठीक है, याद रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताइए कमेंट बॉक्स में। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? फटाफट आंसर करोगे विद्यार्थियों, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या आंसर होना चाहिए? यूरोप की तो हमने बता दी वोल्गा, एशिया की क्या हो जाएगी? यांगजी।
ठीक है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पूछे जाए तो सबसे लंबी नाइल हो गई, लेकिन अगर हम कहें सबसे बड़ी में तो आपकी हो जाती है सबसे बड़ी में कौन सी, वो हो जाती है आपकी ऑरेंज रिवर। ठीक है चलिए, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, आकार सिर्फ 0.2 वर्ग मील है, जो मैनहट्टन द्वीप से लगभग 120 गुना छोटा है, और तिबर नदी के पश्चिमी तट पर यह स्थित है। केवल आप ऐसे समझ लो, पोप का महल है बस। कब आप रोम में चल रहे हो, कब आप चल रहे हो वेटिकन सिटी में, ये पता ही नहीं चलता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो आप लोग बच्चे, मेरी ये क्लासेस हैं, आप लोग अनएकेडमी पर मुझे फॉलो कीजिए तुरंत, और फॉलो कीजिए आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से मुझे फॉलो कीजिए आप लोग, और अनएकेडमी पर फ्री क्लास जरूर कीजिए। उसके लिए रेफरल कोड प्रयोग करोगे ABSIR10, और 11 जनवरी को बच्चे SSC का प्राइस हाइक हो रहा है 11 जनवरी को, उससे पहले आप सारे लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लोगे। कोड लगाइए ABSIR10, कोड लगाओ ABSIR10, इससे 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, याद रहेगा। ये देख सकते हो आप लोग कि 11 जनवरी 2021 से ये आपका प्राइस हाइक हो रहा है, तो जो भी विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी जरूर लिख देंगे, ताकि हम उनको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता सकें। ठीक है विद्यार्थियों, कोड आपको लगाना है ABSIR10 कैपिटल लेटर में लिख करके, फ्री क्लास के लिए भी और प्लस क्लास के लिए भी। बिल्कुल भैया नीरज जी, PDF आपको तुरंत मिल जाएगी थोड़ी देर में, ये आपके लग जाएगा सेक्शन में। ठीक है, ABSIR10 कैपिटल लेटर में लिख करके, और आपको ये अप्लाई कर देना है। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके सेशन को कमेंट कीजिएगा अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और 5 बजे डेली हमारे साथ में जुड़िए आप लोग यहाँ पर वाईफाई।